तो जय हिंद दीवी लवर्स, क्या हाल है आपके? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपका ध्यान जो है एक अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ माइग्रेट करना चाहता हूँ। ओला 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 करते हुए काफ़ी दिन हो गए, कुछ और ऑप्शंस भी होने चाहिए ओला इथर को छोड़ के। तो सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद अब एम्पियर लेके आ रहा है। और तो दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर है एम्पियर प्राइमस। वो एम्पियर प्राइमस में ऐसा क्या खास है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ? दोस्तों, उसका बजट जो है 1 लाख रुपए के करीब है। उतने में ओला S1 एयर की भी एक रेंज आती है और आपकी दूसरी तरफ ओला S1 की भी एक वेरिएंट आ जाता है। तो ऐसे में आपको किस तरफ जाना चाहिए, इसलिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि एम्पियर प्राइमस जो नया कंटेंडर इन्होंने उतारा है, जो नया इलेक्ट्रिक स्कूटर एम्पियर की तरफ से आ रहा है, उसकी बुकिंग भी कमेंस हो चुकी है इनकी वेबसाइट पर 999 रुपये में, वो स्कूटर कैसा है। तो उसी लिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आपको बता सकूं कि कैसा इलेक्ट्रिक स्कूटर है, वो क्या खास है उसमें। चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे बड़ी बात, इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको मिलेगा लिथियम फेरोफॉस्फेट का बैटरी पैक। ये वो बैटरी पैक है जिसकी लाइफ सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है, लॉन्ग आपका साथ देगा। लेकिन ऐसी क्या कमी होती है कि लिथियम आयरन फॉस्फेट या लिथियम फेरोफॉस्फेट का बैटरी पैक ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर यूज़ नहीं करते? तो उसका दोस्तों साफ साफ रीज़न होता है कमर्शलाइजेशन। अगर बैटरी जल्दी ख़राब होगी तो वो जल्दी चेंज भी होगी, ऐसे में उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन कुछ कंपनियां ग्राहक के बारे में भी सोचती हैं, वो सोचती हैं इनकी लाइफ, जो भी ये वाहन ये लोग खरीदें उसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो। तो उन लोगों के लिए ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हालांकि लिथियम आयरन फॉस्फेट की जो बैटरी केमिस्ट्री है, इसकी एनर्जी डेंसिटी थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू NMC केमिस्ट्री और NCA सेल्स, लेकिन इनकी जो लाइफ साइकिल्स होते हैं चार्ज डिस्चार्ज के, वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू NCA और MCA सेल्स। तो मेन चीज़ क्या है दोस्तों, जो भी चीज़ आप खरीदें इरिस्पेक्टिव, वो थोड़ा वेट बढ़ा देते हैं, क्योंकि उतना ही बड़ा बैटरी पैक बनाने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ी साइज़ की अवेलेबिलिटी होती है। क्योंकि जब एनर्जी डेंसिटी कम होती है तो लार्जर नंबर ऑफ सेल्स हमको यूज़ करने पड़ते हैं सेम कैपेसिटी की बैटरी बनाने के लिए। ये भी एक रीज़न है कि कई मैन्युफैक्चरर जो होते हैं स्पेस सेविंग करने के लिए भी NCA और NMC सेल्स की तरफ जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से आपको ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जो आपको ज़्यादा दिन तक साथ दे सके। खासकर एक मिडिल क्लास आदमी जब इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदता है तो वो ध्यान देता है इस चीज़ पे कि इसकी ज़िंदगी कितनी है, इसका बैटरी पैक कितने दिनों बाद चेंज किया जाएगा, मुझे कितने का मिलेगा। और ये एक आम क्वेश्चन हैं और बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन हैं। तो जो मैंने आपको ये बात बताई है उसको आप ध्यान दे सकते हैं। लिथियम फेरोफॉस्फेट या लिथियम आयरन फॉस्फेट का जो बैटरी पैक होता है, उसका कर्व वेट जो है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को लगभग 130 किलो है। वो इसी वजह से है कि ये सेल्स थोड़े भारी होते हैं और इस बैटरी साइज़ को अचीव करने के लिए हमें नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना पड़ता है। हालांकि इन चीज़ों से हम लोगों का कोई लेन देन नहीं है, ये तो मैन्युफैक्चरर की हेडक है। फिलहाल इसकी लाइफ ज़्यादा होती है, आपको ज़्यादा ड्यूरेबिलिटी देगा, लॉन्ग टर्म में आपके साथ साथ दे सकेगा। तो ऐसी ही चीज़ें आप ऑप्ट कीजिए, खासकर ऐसे लोग जो अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर जल्दी बदलना नहीं चाहते या जिनको डर लगता है कि बैटरी काफ़ी ज़्यादा महंगी होगी बदलने के टाइम। एम्पियर का ये पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है दोस्तों जो मिड ड्राइव मोटर के साथ आएगा। अभी दोस्तों अभी ऑटो एक्सपो में जहाँ मैं गया था, वहाँ मैंने देखा कि इन लोगों ने कई ऐसे इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्रोटोटाइप पेश किए थे जो मिड ड्राइव मोटर से चलते थे। उनमें खासकर तीन कॉन्सेप्ट थे इनके, उसमें से आप ये देख सकते हैं इनके जो भी वेरियंट अब आएंगे हम मोटर के बाद, अब वो मिड ड्राइव मोटर चलाने चालू कर दिए। ऐसे में मैगनस तो EX आपको मालूम आता ही था, लेकिन इस बार इन्होंने जो प्राइमस इंट्रोड्यूस किया है ये काफ़ी अच्छा मेरे हिसाब से इन्होंने चूज़ किया है। और लिथियम आयरन फॉस्फेट का बैटरी पैक दिया है, तो 22 लीटर का बूट स्पेस भी दोस्तों इसमें है। 22 लीटर का बूट स्पेस अच्छा खासा आपको देता है। अलॉय व्हील्स भी हैं इसमें, आपको USB चार्जिंग, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, प्रैक्टिकल स्कूटर भी आपको मिलेगा। कोई भी इन्होंने टच स्क्रीन वगैरह लगा के आपका ध्यान इधर उधर नहीं किया। और हालांकि आप ये ज़्यादा चीज़ें यूज़ भी नहीं करते हैं, क्योंकि मैं ये खुद ओला यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे नहीं लगता कोई फीचर इतना ज़्यादा काम का होता है। बिसाइड्स जब आप सिटी में ट्रैवल करते हैं, हालांकि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी इन्होंने भी दे रखी है, मेन मेन फंक्शंस हैं वो इन्होंने भी दे रखे हैं। तो ऐसे में जो प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक स्कूटर इन्होंने उतारा है, ये काफ़ी ज़्यादा आपका लंबे समय तक साथ निभाने वाला, इसकी लाइफ सबसे ज़्यादा। कई मैन्युफैक्चरर लिथियम आयरन फॉस्फेट पे जाते हैं, जैसे कि हीरो इलेक्ट्रिक भी जाता है। तो मेरे हिसाब से आपको ऐसा बैटरी पैक चूज़ करना चाहिए जिसकी लाइफ ज़्यादा, लाइफ साइकिल ज़्यादा सपोर्ट करता है। NCA सेल्स और जो आपके NMC सेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा लाइफ सपोर्ट नहीं करते हैं। लिथियम आयरन फॉस्फेट कम से कम 1.5 गुना 1.5 गुना चलेगा उसका। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि 1000 साइकिल से पहले आपका साथ नहीं छोड़ेंगे ये। और बैटरी कैपेसिटी थोड़ी कम हो जाएगी, पावर रिटेंशन जो उसकी है थोड़ी कम हो जाती है, जिसे स्टेट ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं। तो अगर स्टेट ऑफ हेल्थ थोड़ी कम भी हो जाती है तो भी आपका इलेक्ट्रिक स्कूटर आपका साथ देता रहता है, बैटरी पूरी तरीके से डेड नहीं होती है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इस
इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो फ्लोर बोर्ड है वो फ्लैट है। ओला में मुझे काफ़ी ज़्यादा समस्याएं होती हैं कभी कभी, जब मुझे कुछ ऐसी चीज़ ले जानी होती है जहाँ मैं नहीं रख सकता इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आता है इसके ऊपर। ओला ने ये काफ़ी ज़्यादा नहीं सोचा इस बारे में, ये भी एक इम्प्रैक्टिकल सी बात है, क्योंकि इंडिया में तो ज़्यादातर लोग स्कूटर इसीलिए यूज़ करते हैं कि उस पर कुछ ना कुछ उनको ढो के ले जाना होता है लगेज वगैरह के लिए। तो ऐसा मैंने उन्होंने ये हम्प दे रखा है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता, और इनको ये हटाना चाहिए। ऐसा कि जैसा कि आपको पता है इन्होंने एयर में हटा भी दिया है, लेकिन इनको ओला एस वन में अभी भी वो रखे हुए हैं। मुझे नहीं लगता है इसकी ऐसा ज़रूरत है वहाँ पर, उसको हटाइए। ये तो कुल मिला के ऐसा बैटरी पैक वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदिए जो प्रैक्टिकली आपका ज़्यादा दिन तक साथ दे। इसलिए मैं चाहता हूँ आप प्राइमस की तरफ जाएँ, क्योंकि प्राइमस एक अच्छा दिखने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी है, साथ ही उसकी बुकिंग भी कमेंस हो चुकी है, और एम्पेयर के शोरूम जगह जगह हैं दोस्तों। हमारे यूपी में भी काफ़ी ज़्यादा उनके शोरूम्स हैं, और हमारे यहाँ से मुश्किल से 80 किलोमीटर दूर ही इनका एक शोरूम है। तो कुल मिला के ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं एक अच्छी व्हीकल ख़रीदने की तरफ इशारा करती हैं। और हमेशा फैंसी चीज़ ख़रीदने का कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, तो आप एक प्रैक्टिकल चीज़ की तरफ जा सकते हैं। यही वीडियो मैंने इसीलिए यही वीडियो बनाया कि कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि ये जो प्राइमस इनका नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आया है एम्पियर वालों का, ये कैसा है सर। तो मैंने कहा आपके लिए एक वीडियो बना देता हूँ, अगर आपका इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है। देखिए इस वीडियो में मैंने कोई टेक्निकल डिटेल्स नहीं डिस्कस किए हैं। मीटर है, मोटर है, 3 किलोवाट की है या 4 किलोवाट की है, इंडिपेंडेंट है, 4 सेकंड के अंदर ये आपको पहुंचा ही देता है 0 से 40 की रफ्तार पर, क्योंकि 1 सेकंड में क्या आपका चला जाएगा। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर से आपको कोई रेस तो लगानी नहीं है जो आपको 1 सेकंड में बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल एक अच्छा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसे आप ऑप्ट कर सकते हैं। और एम्पियर काफ़ी दिनों से इलेक्ट्रिक स्कूटर बना रहा है, तो इन्हें कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस हिसाब से ये सस्पेंशन वगैरह बनाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप अगर ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है इससे रिलेटेड, तो कृपया हमें लिख भेजिए, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा।